वेलकम टू जी लाज। प्यारे दोस्तों, जो लोग हकलाने तुतलाने को लेकर परेशान है, तो आज की वीडियो में हमने बताया ऐसा घरेलू उपाय जिससे हकलाना तुतलाना बहुत जल्द ठीक हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हम आपके लिए वही नुस्खे आप तक पहुँचाते हैं जो आपको 100% फ़ायदा करते हैं। अगर आप हकलाने तुतलाने से रिलेटेड और भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली अच्छी से अच्छी जानकारी हम आपको दे सकें और आप इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें। तो चलिए दोस्तों, क्यों ना आपका वक्त ना ख़राब करके हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला नुस्खा जो हमारा है, अशोक की छाल और बिराई का चूर बराबर की मात्रा में मिलाकर एक एक चम्मच सुबह शाम एक कप दूध के साथ रोज़ाना एक महीने तक खाने से कैसा भी हकलाना तुतलाना ठीक हो जाता है। दोस्तों, अशोक की छाल और बिराई का चूर ये आपको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, आप किसी भी पंसारी के यहाँ से इसे ले सकते हैं। उसके बाद एक एक चम्मच आपको सुबह शाम दूध के साथ रोज़ाना आपको खाना है एक महीना तक। लेकिन दोस्तों याद रखें, अगर आपको बिराई का तेल भी मिल जाए तो उससे भी आप सिर पर मालिश करते रहें। और सबसे मेन चीज़ जो रहती है दोस्तों, हमें हकलाना तुतलाने के लिए प्रैक्टिस एक करनी चाहिए। अगर आप हकलाते हैं तो आपको 100 से लेके उल्टी गिनती बहुत तेज़ी से गिनने की सुबह सुबह आपको उठकर यही प्रैक्टिस करनी चाहिए। 100 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिनने की पूरी कोशिश करें, जिससे आपके हकलाने तुतलाने की समस्या में आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और जिससे बिना ही सोचे आप किसी भी बात को बड़ी आसानी से कहने लगेंगे, तो जिससे आपकी हकलाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं दूसरा उपाय। यदि कोई व्यक्ति तुतलाता है, ऐसे में उस व्यक्ति को सुबह खाली पेट 5 बताशे खाने चाहिए, कुछ दिन में तुतलाना जड़ से ठीक हो जाता है। दोस्तों, तुतलाना एक ऐसी समस्या है जिसमें बंदे की जो एक काक होता है दोस्तों, जो हमारे गले के अंदर होता है, उसके बड़े होने के कारण भी व्यक्ति तुतलाने लगता है, और भी बहुत सारे कारण ऐसे रहते हैं जिससे तुतलापन आ जाता है। अगर आप इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि आप बहुत जल्द इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको बताशे ले लेने हैं। बताशे ये आपको बड़ी आसानी से किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाते हैं, और लेने के बाद सुबह आपको 3 से 5 बताशे आपको चाबने होंगे। 3 से 5 बताशे, अगर आप 5 ना खा पाएँ तो 3 ज़रूर खाएं। 3 बताशे आपको रोज़ डेली सुबह आपको निहार मुँह खाने होते हैं, जिससे दोस्तों आपको पानी नहीं पीना है इसे खाने के बाद। ऐसे ही कुछ देर आप इसे खाने के बाद कुछ देर पानी ना पिए। उसके बाद दोस्तों आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपका ये तुतलापन धीरे धीरे जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।